एनएमटीवी को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। FOB is absolutely a complete waste of people's money because यहाँ पे सरकार का पैसा क्या होता है? सरकार का तो कुछ पैसा होता नहीं ना, हमसे इकट्ठा करते हैं। देखिए ये एक और फुट ओवर ब्रिज बनेगा ना, तो फुट ओवर ब्रिज के ऊपर और फेरी वाले आके बैठने वाले, पहली बात तो ये है, लोग तो उसको इस्तेमाल करने वाले है नहीं, तो ये बनने वाला है फेरी वालों के लिए फुट ओवर ब्रिज। देखिए साहब ऐसा है कि ये सारा पैसे का गेम है। व्हाट वी आर नोटिसिंग सिंस महापालिका डिसॉल्व हुई है और हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर्स इसको रन कर रहे हैं, दे आर रनिंग इट जस्ट एग्जैक्टली जैसे उनका अपना पर्सनल वेल्थ है। पालिका का ऐसा अभी टेंडेंसी देखने मिल रहा है, एक साल में जो प्रोजेक्ट मांगता है वो कीजिए। इनको लगता है इनको पूछने वाला कोई है नहीं, अभी ना जनरल बॉडी है, ना मेयर है, ना स्टैंडिंग कमेटी है, जो मर्जी करना है करते हैं। ये ना इम्पोज प्रोजेक्ट्स हैं, किसी का ओपिनियन लेते नहीं है। यहाँ पे शॉपकीपर्स जो इम्पैक्ट होने वाले हैं दोनों तरफ के, उनका ओपिनियन लिया नहीं। उसके अलावा जो सीनियर सिटीजन जो क्रॉस करने वाले हैं, जिनके लिए मेनली है, या सिटीजन जो क्रॉस करने वाले हैं, आपने उनका ओपिनियन लिया नहीं है। वाशी सेक्टर 9 में वारना डेरी से लेकर सेक्टर 15 स्थित भगवान कटपीस तक फुट ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव पालिका द्वारा बनाया गया है, मगर इस फुट ओवर ब्रिज को दुकानदार एवं नागरिकों ने कड़ा विरोध किया है। यहां फुट ओवर ब्रिज ना बने इसलिए यहां के नागरिक एवं दुकानदारों ने एक स्वाक्षरी अभियान भी चलाया। बता दे कि इससे पहले भी यहां फुट ओवर ब्रिज बनने का प्रस्ताव पालिका द्वारा लाया गया था, मगर स्थानिकों के विरोध के बाद ये प्रस्ताव वापस लिया गया, मगर अब दोबारा ठंडे बस्ते में पड़े इस प्रस्ताव को लाया गया है। इस पर सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने कहा कि ये प्रस्ताव लाने से पूर्व पालिका द्वारा किसी भी स्थानिक दुकानदार या नागरिक को विश्वास में नहीं लिया गया है। ये ना इम्पोज प्रोजेक्ट्स हैं, किसी का ओपिनियन लेते नहीं है। यहाँ पे शॉपकीपर्स जो इम्पैक्ट होने वाले हैं दोनों तरफ के, उनका ओपिनियन लिया नहीं। उसके अलावा जो सीनियर सिटीजन जो क्रॉस करने वाले हैं, जिनके लिए मेनली है, या सिटीजन जो क्रॉस करने वाले हैं, आपने उनका ओपिनियन लिया नहीं है। अभी आप ये रोड देखिए, इसमें यहाँ से जो पॉइंट जहाँ पे इन्होंने FOB बना रहे हैं, यहाँ से 3 या 4 कट्स है, कौन ऊपर चढ़ेगा? बॉम्बे में भी हमने जगह जगह देखा है जहाँ पे भी इन्होंने फुट ओवर ब्रिज बिना सेंस के बनाए हैं, लोग अपने आप नीचे से जाते हैं। आज की डेट में इवन हाईवेज के ऊपर लोग नीचे से जाते हैं, उसका रीज़न है कि एक सर्टन एज के लोगों को ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती है। तो आप यहाँ पे अगर एक सिंपल सा एक रेड लाइट डाल देते, या तो आप एक सिर्फ एक पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बना देते, प्रॉपर कंट्रोल पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, यही प्रॉब्लम आपका इमीडिएटली सॉल्व हो जाता था, और लेकिन वो करेंगे नहीं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये सब तो पैसों का खेल है एवं जनता का निधि बर्बाद करने का माध्यम। देखिए साहब ऐसा है कि ये सारा पैसे का गेम है। व्हाट वी आर नोटिसिंग सिंस महापालिका डिसॉल्व हुई है और हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर्स इसको रन कर रहे हैं, दे आर रनिंग इट जस्ट एग्जैक्टली जैसे उनका अपना पर्सनल वेल्थ है। ये प्रोजेक्ट्स पहले भी आए हुए हैं और ये पहले प्रोजेक्ट्स महापालिका में जब ये जनरल बॉडी में आए हैं वहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं। तो आप एक तरीके से देखा जाए तो आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के जो सजेशंस थे आप उनको भी मानने को तैयार नहीं है, तो ये तो आप बुलडोज कर रहे हैं। आप लोग जो आपका व्यू पॉइंट है इस सिटी के बारे में, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू हैव नो राइट्स। मेरे हिसाब से आपको पब्लिक की ओपिनियन लिए बिना कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये FOB इज एब्सोल्युटली अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ पीपल्स मनी बिकॉज यहाँ पे सरकार का पैसा क्या होता है? सरकार का तो कुछ पैसा होता नहीं ना, हमसे इकट्ठा करते हैं। आज आपके पास पैसा है, इसका मतलब आप खर्च करेंगे ऑन अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स, दैट इज एब्सोल्युटली बुलशिट। वी हैव टू ग्रेजुअली मूव अवे फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी टू पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, लोगों से ओपिनियन लेना चाहिए। तो वही सामाजिक कार्यकर्ता अंशुवर्धन ने कहा कि हमारे सामने बहुत से ऐसे उदाहरण हैं
कि फुट ओवर ब्रिज पर ज्यादातर फेरी वालों का बैठना शुरू हो जाता है, इसलिए बिना सोच विचार किए ऐसे प्रस्ताव लाना गलत होने की बात भी उन्होंने कही। देखिए, ये एक और फुट ओवर ब्रिज बनेगा ना, तो फुट ओवर ब्रिज के ऊपर और फेरी वाले आके बैठने वाले, पहली बात तो ये है, लोग तो उसको इस्तेमाल करने वाले है नहीं, तो ये बनने वाले फेरी वालों के लिए फुट ओवर ब्रिज। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है यहाँ पे जो बिना सोचे समझे बनाए जा रहे हैं। अभी फाउंटेन ये सब लगा रहे हैं जगह जगह पे, इससे तो लोगों को और अड़चन होने वाले हैं ना। किस ये समझ में नहीं आ रहा है, ये इंजीनियर और ये पालिका वाले किसको पूछ के ये सब कर रहे हैं, क्या दिमाग, कौन इनको दिमाग दे रहा है और इसके पीछे क्या कारण है। ये फुट ओवर ब्रिज 10 साल पहले जहाँ तक मुझे याद है ये पहले भी बनने वाला था, लेकिन तभी भी इसका विरोध हुआ और ये बंद हो गया। लेकिन अभी फिर से इन लोग ने इसको रिवर्क करके इसको फिर से लाया है, लेकिन ये फुट ओवर ब्रिज के अंदर समस्या बांधने से भी नहीं होगा क्योंकि लोग इसको यूज़ ही नहीं करेंगे। मुंबई में कुर्ला एरियाज में बहुत सारे फुट ओवर ब्रिजेस है, वहाँ पर आप जाकर पता कर लीजिए, वहाँ पर सब इल्लीगल एक्टिविटी होता है, नशे करने वाले आके बैठेंगे इलीगल फुटपाथ पे, उधर फेरी वाले लगेंगे, वहाँ पे लोग बेघर लोग आके सोएंगे, जनता जो पर्पस के लिए बना है वो सर्व नहीं करेगा। और ऐसे जगह पे फुट ब्रिज बना रहे, यहाँ पे पहले से इतने कंजेशन है, ऊपर से फुट ओवर ब्रिज बना रहे, पैसा कमाने के लिए बना रहे कि लोगों के सुविधा के लिए बना रहे, तो सोचने वाली बात है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासक राज होने के कारण पूछने वाला कोई नहीं, इसलिए पिछले एक साल में ऐसे ऐसे प्रस्ताव बने हैं जिसमें निश्चित तौर पर करदाताओं के पैसे व्यर्थ में बह रहे हैं। पालिका का ऐसा अभी टेंडेंसी देखने मिल रहा है, एक साल में जो प्रोजेक्ट मांगता है वो कीजिए, इनको लगता है इनको पूछने वाला कोई है नहीं, अभी ना जनरल बॉडी है, ना मेयर है, ना स्टैंडिंग कमेटी है, जो मर्जी करना है करते हैं, सब साठ गाठ से सब काम चल रहा है, लेकिन ये ज़्यादा दिन अभी होने वाला नहीं है। अगर पब्लिक के पैसे का ऐसा मिसयूज़ करेंगे तो पब्लिक का उनको गुस्सा फेस करना पड़ने वाला है। आरटीआई कार्यकर्ता सुनील कारंडे ने कहा कि पहले ये प्रस्ताव रद्द किया गया था मगर अब दोबारा उसे लाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि 60 साल का बुजुर्ग इंसान सीढ़ी चढ़कर कैसे जाएगा और दुकानदारों का भी इससे नुकसान है, इसलिए पालिका तुरंत ये प्रस्ताव रद्द करे। 2015-16-17 के आसपास पहला ये फुटवेयर ब्रिज बनवण्याचा प्रयोजन केलेला, पण आणि त्यानंतर व्यापारी वर्गाच्या नागरिकांच्या विरोधामुळे तो रद्द करण्यात आला। परंतु आज पाहतोय तर इथे 3-4 दिवसापूर्वी फायलिंग चालू झालेली, मग आम्ही इन्क्वायरी केल्यानंतर इथे तो ओव्हरब्रिज परत सुरू केला आहे तोच, पण ओव्हरब्रिजचा इथे काही उपयोग होत नाही। आता तुम्ही समजा एक 60 वर्षाचा माणूस तो सीढ़ी चढून वरती जाऊ शकेल का, आणि काय ते निवळ आहे ना, नागरिकांच्या मालमत्ता कराचा पैसा आहे ना, वेस्ट होणार आहे। इथे ब्रिजची काहीही जरूरत नसतानाही महानगरपालिका मुद्दामहून इथे ब्रिजचं काम चालू करत आहे, एवढंच ऐके इथे ब्रिज व्यापारी वर्गाचा विरोध आहे, नागरिकांचा पण विरोध आहे। आम्ही महानगरपालिकेचे आयुक्त यांना विनंती करतो की हा प्रोजेक्ट रद्द करावा। इस क्षेत्र के दुकानदारों ने भी ये कहा कि जब ये FOB बनकर तैयार होगा तो इसका इस्तेमाल आम नागरिक कम करेंगे, मगर नशेड़ी एवं जुआरी जैसे असामाजिक तत्व यहाँ अपना डेरा जमाए बैठेंगे, जिस कारण इस FOB के निर्माण में जो भी निधि लगेगा वो व्यर्थ होगा। साथ ही यहाँ फुटपाथ भी काफी छोटे हैं और अगर ये FOB फुटपाथ पर बनेगा तो पब्लिक चलेगी कहाँ से, ऐसा सवाल भी उन्होंने उपस्थित किया। एक तो अननेसेसरी ब्रिज का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये मेन एरिया है, मेन एरिया में ब्रिज की जरूरत नहीं होती और यहाँ विट रोड छोटा है। अगर इनको प्रोसेस ये अगर एक वार्ड में आया तो हर एक वार्ड वाला नगर सेवक बोलेगा कि हमको एक ब्रिज चाहिए, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। और यहाँ जबकि सिग्नल और रमलर से काम हो रहा है तो फिर आपको अननेसेसरी NMC को ये चीज़ के लिए वेस्ट कर रहे हैं मनी, मतलब लोगों का पैसा जा रहा है, सीढ़ी डालते हैं या जो भी आता है तो पब्लिक चलेगी कहाँ। जो फुटपाथ है, फुटपाथ के ऊपर कैसा ओवर ब्रिज आ रहा है वो नहीं आना चाहिए, अगर उस पर आएगा तो पब्लिक कहाँ चलेगी और दुकान पूरी ढक जाएगी, या घर वाले ऊपर रेसिडेंस है और उनका अभी फुट ओवर ब्रिज पे आप देखते होंगे खार घर है कि बॉम्बे में है, सब जगह देखो जो चर्सी लोग रहते हैं, या लूट फाट होता है सब उस पर होता है फुट ओवर ब्रिज पे,
तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, इसको इस अननेसेसरी मतलब ये यूज़ नहीं है इसका कोई, तो एनएमसी का पैसा वेस्ट है, पब्लिक का पैसा वेस्ट होने वाला है। यहाँ जो ब्रिज बन रहा है, एक तो ये गटर छोटा है, बारिश में ये नाला पूरा भर जाता है, पूरा दुकानों में पानी आता है, अगर बीच में बीम आएगा तो, और नाला छोटा है तो पूरा पानी दुकान वाले को, ये पूरा रोड पूरा जाम हो जाता है, हर साल का समस्या है ये। अपने उसमें भी ये ब्रिज बन रहा है तो पूरा पानी है ना पूरा दुकानों में भर जाएगा, तो हमारा विनंती है कि इधर ब्रिज नहीं आना चाहिए, ये ब्रिज करना है तो फिर कॉलम आगे करो, गटर के अंदर कॉलम किया है तो पानी भरना ही भरना है, गिराक तो कम होना ही होना है, एक तो चलने का रास्ता नहीं है यहाँ, एक ऑलरेडी छोटा रास्ता है और उसमें ब्रिज डाल रहे हैं तो होना ही होना नुकसान है। ये मेरा समस्या है कि म्यूनसिपालिटी कमिश्नर को सोचना चाहिए कि ऑलरेडी गटर छोटा किया हुआ है, अभी उसमें पूरा पानी जाम हो जाता है, वो बारिश में यहाँ से सबरी तलक पानी ये इतना भरता है, घुटन तलक पानी भरता है, तो उसमें बीम आएगा तो गटर एकदम छोटा हो जाएगा। देखो ब्रिज आने से क्या है, बहुत बड़ी समस्या है। पहली बात तो ये, हम आज बरसों से यहाँ पे बिजनेस लेके बैठे, सब दब जाएगा, और हम देख रहे हैं कि मुंबई में भी जहाँ भी स्काई वॉक ब्रिज जहाँ भी बने वो यूज़ नहीं होता है, कोई पब्लिक यूज़ नहीं कर रही है वो सब चीज़ों को, उल्टा मिस यूज़ होता है उल्टी उसकी जगह, और उसका कोई सेंस नहीं है, अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं गवर्नमेंट के, और कुछ नहीं है, हम इतना समझते हैं। और क्या, हम बरसों से यहाँ बैठे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिज़नेस हमारा दब जाएगा, आज सालों से, इतने सालों से मेहनत करके हम इधर जमाए हैं धंधा, और वैसे भी कोविड का अभी टाइम आप चल रहा है, आप समझ सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। स्काईवॉक मुंबई के भी अभी कितने सारे वो लोग ने बंद तोड़ डाले हैं फिर से, और वहाँ भी यूज़ नहीं हो रहा है। आप वो देखो बीकेसी के वहाँ, वो बैंड्रा यहाँ पे, वो कला नगर के यहाँ पे कोई यूज़ नहीं होता, आप देखेंगे पूरा खाली, कोई चलता नहीं है वहाँ पर, बस जस्ट एम्प्टी और मिस यूज़ है, और कोई लोग अपना अड्डा जमा कर बैठे हैं उधर, खाने का सोने का सब वहीं पे चल रहा है। इथे दुकानदार पण माझा धंदा पण आहे, इथे दुकान पण आहे आणि मी इथे स्वतः राहतो, माझी समोरच्या बिल्डिंग एफ टाइप मध्ये मी राहतो, तर प्रत्येक वर्षी इथे पावसाळ्यामध्ये वॉटर लॉगिंग ही मोठी समस्या आहे, त्याच्यामध्ये आमचं दुकानाचं ह्याच्या भरपूरचं नुकसान होतंच प्रत्येक वर्षी। दुसरी गोष्ट ही आहे की इथे गटर आहे, गटरवरती फुटवेअर बेचणं बनणं हे ॲक्च्युली बेसलेस आहे, याला अर्थच नाही आहे काय, बरोबर। तर आम्हाला इथे रहिवासी आणि धंदे वाल्यांना धंद्यावाल्यांचा पूर्ण विरोध आहे या गोष्टीला, कारण ह्याचा उपयोग आमच्यासाठी कोणालाही इथे रहिवाशांना किंवा आम्हाला काहीही होणार नाही आहे, याच्यामुळे आमचा त्रास वाढणारच आहे आमचा, तर आमचा ह्याच्यासाठी विरोध आणि हे राहील की हा फुटओवर ब्रिज इथे नसावा, इथे आम्हाला नाहीच पाहिजे, कारण इथे कायदा तुम्हाला दुसरं ऑप्शन करायचं असेल तर तुम्ही इथे सिग्नल लावू शकता किंवा तुम्ही रंबलं टाकू शकता, सगळ्यात सोपे उपाय ते आहेत, म्हणून आमच्या सगळ्यांचा या गोष्टीला विरोध आहे। ये फुटओवर ब्रिज ॲक्च्युली कुछ मतलब ही नहीं है, जब अगर यहाँ पे ब्रिज बनेगा तो इसके आगे भी और क्रॉसिंग है, जैसे शबरी होटल के पास में क्रॉसिंग है, दूसरे दूसरे अलग अलग जगह पे विविध जगह पे क्रॉसिंग्स है, तो लोग वहाँ से क्रॉस करेंगे, ये फुटओवर ब्रिज का मतलब ही क्या है? ऑलरेडी यहाँ पे जगह की कमी है, फुटपाथ छोटा है, उसके बाजू में आप अगर फुटओवर ब्रिज बनाएंगे तो लोग कहाँ से चलेंगे? उसी फुटपाथ पे ये ब्रिज उतरेगा, या तो इस ब्रिज को कैंसिल ही कर दीजिए सबसे बढ़िया है, लोग ऐसे ही आना जाना हो रहा है, जो बुज़ुर्ग वगैरह है वो ब्रिज थोड़ी ना चढ़ के उतरेंगे, किसी दिन आप लिफ्ट भी लगा लेंगे, ब्रिज अगर लिफ्ट ख़राब हो गया तो बुज़ुर्ग कैसे करेंगे? यहाँ से रिक्शा करके घूम के आएंगे जब उनको आना है, इस तरफ और उस तरफ खाली ये मार्केट ही है, मार्केट में क्रॉस होने वाले लोग ही, और तो कोई लोग है नहीं यहाँ पे। तो वही एक ज्येष्ठ नागरिक ने ये भी कहा कि इस प्रकार के प्रस्ताव लाने से पूर्व पहले एक बार स्थानीय नागरिक एवं दुकानदारों की राय लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी बुजुर्ग के लिए सीढ़ियां चढ़कर उतरना आसान नहीं, इसलिए उनके उम्र के लोगों के लिए ये एफओबी किसी काम का ही नहीं है। पब्लिक ओपिनियन लेकर के ही इस विषय का निर्माण करना चाहिए था, ऐसे निर्माण करके उसका कोई मतलब नहीं। अब जैसे वो बता रहे हैं, एक सीनियर सिटीजन उम्र एजेड आदमी वो ऊपर कहाँ चढ़ता है कहाँ उतरता है, बल्कि नहीं जाएगा ऊपर उड़ेगा, मगर ऊपर कहाँ चढ़ेगा उतरता है वो तो है नहीं। जैसे बुढ़िया लेडीज है, उम्र एज लेडीज है, वो भी नहीं जाती जो है। ये बिना यूज है मामला, ये बिना यूज ब्रिज है, इसलिए ऐसा ठीक नहीं है। ये पब्लिक ओपिनियन लेकर के ही चर्चा करना चाहिए था, ये गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएमटीवी न्यूज़।